बारिश और बाढ़ का कहर केवल पश्चिम और दक्षिण भारत में ही नहीं है बल्कि दुनिया के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की वजह से परेशान हैं। उस पर नजर डालेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें मौसम का एक और मिजाज। कहीं बारिश का कहर है तो कहीं गर्मी की मार है। उत्तर भारत के कई इलाकों में इस समय सूरज आग बरसा रहा है। शरद ऋतु कहने को तो आ चुकी है लेकिन गर्मी से अभी तक उत्तर भारत को राहत नहीं मिली है। सुबह का सूरज बस दो घंटे बाद ही ऐसे दहकने लगता है जैसे मई और जून का महीना हो। बाहर निकलने में पसीने छूट जाते हैं। भला कौन यकीन करेगा कि ये अक्टूबर का महीना है जिसमें लोग दिन भर घूमने का मजा लिया करते थे। आखिर यही तो कुछ वक्त होता है जबकि सर्दी और गर्मी दोनों से राहत मिल जाया करती थी। ये हाल उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों का है, लेकिन एक दिन पहले उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में क्या तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में 37 डिग्री, चंडीगढ़ में 35 डिग्री और लखनऊ में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ ये तापमान। यहाँ तक कि मुंबई में तापमान 32 डिग्री था, कोलकाता में 33 डिग्री। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अक्टूबर में श्रीनगर का तापमान 29 डिग्री हो सकता है। ठंड की तलाश में शिमला भी मत जाइए क्योंकि वहाँ का तापमान 25 डिग्री से कम नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार सर्दी कम पड़ने की उम्मीद है। दिन के तापमान जितने होने चाहिए उनसे 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा बने हुए हैं। नाइट के टेम्परेचर भी ज्यादा है, बल्कि वो काफी ज्यादा है। यूजुअली होता क्या है कि सितंबर के मंथ में जैसे जैसे बढ़ता है तो नाइट के टेम्परेचर में तापमान गिरने शुरू हो जाते हैं, नाइट में गिरावट शुरू हो जाती है। इससे सुबह और शाम थोड़ी हल्की ठंड महसूस होने लगती है। यानी लोगों को गर्मी से छुट्टी पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक।